जो आज सदन में आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2018 प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो इसमें विसंगतियां थी उसको इस विधेयक के द्वारा उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आधार लागू होने के बाद से एक निश्चित तौर से पूरे देश में जो जन कल्याणकारी योजनाओं का विशेष तौर से जो धन लोग दुरुपयोग करते थे वो इससे रुका है, और जो कई जगह अपना नाम चढ़वा करके और उसकी सुविधा लेने का काम करते थे तो ऐसे करोड़ों रुपया का उसका दुरुपयोग रुकने का काम हुआ है। मानवर लगभग 90% से ज्यादा लोगों को आधार कार्ड बन चुका है, लगभग 10% लोग इससे अभी वंचित हैं। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, और इस विधेयक में माननीय मंत्री जी ने प्रावधान भी किया है कि ऐसे लोगों को जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं अगर उनके पास आधार नहीं है तो उसको इससे वंचित नहीं किया जाएगा, उनको बिना आधार के भी मिल जाएगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो शेष लोग बचे हैं उनको अभी आधार बनाने में जो प्रक्रिया है उसको, जैसे मेरे यहाँ अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूँ, बैंकों को कहा गया, अब बैंक अपने यहां बना रहे हैं लेकिन उसकी कोई सुविधा नहीं दिया, या उन्होंने अपना कोई जो काउंटर है उसको काउंटर ने बढ़ाने का काम नहीं किया है तो उसको काउंटर बढ़ाएं, और जो अभी आधार कार्ड बनवाने लोग जाते हैं उसे उनको असुविधा का सामना करना पड़े, अपना मैन पावर भी बढ़ाने का काम करें, यह भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। साथ ही आप सबसे मैं एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो दिव्यांग है वैसे मुझे जैसे जानकारी है कि आपने उसमें विशेष प्रावधान करने का काम किया है कि जो अंगूठा नहीं लगा सकते हैं या जो कोई दिव्यांग है वो उसको उनके लिए भी आपने अलग से इसमें व्यवस्था करने का काम किया है कि उनका चेहरा देख करके अन्य चीजों से उसको देख लिया जाए, उनको नेत्रों से परीक्षण कर लिया जाए, तो इस विषय को भी विशेष तौर से संज्ञान लेते हुए इन चीजों को करने का काम करेंगे जिससे ये जो शेष लोग भी हैं उनको आधार कार्ड यथाशीघ्र मिल जाए। यही बात कह के मैं पुनः बिल का समर्थन करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।